नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर देवरे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पेटीएम कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट पेश किए हैं। तो कैसे रहे कंपनी के Q2 के रिजल्ट, देखते हैं। फिगर जो दिए हैं वो रुपीज इन मिलियंस में है। पहला कॉलम है 30 सितंबर 2021 का, दूसरा कॉलम है पिछले क्वार्टर का 30 जून 2021, और तीसरा कॉलम है पिछले ईयर का 30 सितंबर 2020। पहले देखेंगे अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का मेन बिजनेस। कंपनी ने रेवेन्यू किस प्रकार जनरेट किया है, तो पिछले साल देख सकते हैं 6,639, वही पिछले क्वार्टर में देखें तो 8,908, और अभी देख सकते हैं 10,864। ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है रेवेन्यू में। अगर कंपनी का टोटल इनकम देखें तो पिछले साल देख सकते हैं 7,581, वही पिछले क्वार्टर में 9,480, वही अभी देख सकते हैं 11,345। ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है टोटल इनकम में। अगर कंपनी के खर्चे देखें तो पिछले साल देख सकते हैं 11,668, वही पिछले क्वार्टर में 13,123, और अभी देखिए तो 15,994। ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। मतलब कंपनी का इनकम देखिए तो 11,345, वही खर्चे देख सकते हैं 15,994। मतलब कंपनी को लॉस हुआ है। अगर लॉस देखिए कंपनी का लॉस फॉर द पीरियड, तो पिछले साल की बात करें तो 4,367 था, वही पिछले क्वार्टर में देखे तो 3,819, और अभी देख सकते हैं 4,735। ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के लॉस में बढ़ोतरी हुई है। अगर EPS देखें, अर्निंग पर शेयर, तो पिछले साल देखें तो 7 का था माइनस में, और पिछले क्वार्टर में 6, और अभी देखें तो 8। ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी EPS माइनस में बढ़ोतरी देख सकते हैं 8.1 की हुई है ईयरली की बात करें तो। लेकिन एक बात अच्छी है, कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो यही देखते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं, क्योंकि लॉस तो कभी कभी भी कंपनी रिकवर कर सकती है। अपने बिजनेस को अगर एक्सपांड करेगी तो थोड़े अड़चने ज़रूर आएगी। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी ग्रो कर रही है, इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो यही देख के इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं। अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स को बाय किए हैं तो आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं, कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।